व्यास जी एक नहीं अनेक हुए। व्यास को परंपरा को कहा जाता है, जैसे गुरु परंपरा को, गुरु गद्दी पर कोई भी बैठे तो गुरु जी, वैसे ही व्यास परंपरा का नाम है। पहले जो हमारे व्यास हुए वो हमारे व्यास के कौन से हुए? स्वयं प्रभु व्यास भी हर हर द्वापर में भगवान किसी ना किसी अलग अलग व्यास के रूप में अवतार लेते हैं। हमारा दूसरे व्यास हमारे हुए जिनका नाम था प्रजापति व्यास, द्वितीय द्वापरे व्यास सत्यो नाम प्रजापति। तीसरे व्यास हमारे हुए तृतीय द्वापरे चैव यदा व्यासस्तु भार्गवः, तीसरे व्यास का नाम भार्गव था। चौथे कलयुग में, इस कल्प के चौथे कलयुग में जो व्यास पैदा हुए, चतुर्थे द्वापरे चैव यदा व्यासो अंगिरा स्मृतः, चौथे व्यास अंगिरा जी हुए हैं। पांचवे व्यास हुए पंचमे द्वापरे चैव व्यासस्तु सविता स्मृतः, पांचवे व्यास सविता जी। छठे व्यास मृत्यु, इनका नाम हुआ मृत्यु व्यास। सातवें व्यास शतक्रतु, आठवें व्यास जो हुए इनका नाम वशिष्ठ जी है, वशिष्ठ जी व्यास है महाराज। अष्टमे परिवर्तते ही वशिष्ठो मुनि सप्तमम, हमारे आठवें व्यास वशिष्ठ जी रहे हैं। नौवें व्यास हैं सारस्वत, दसवें व्यास हैं त्रिदामा, ग्यारहवें व्यास हैं त्रिवृत्त, बारहवें व्यास हैं शततेजा, तेरहवें व्यास हैं नारायण, चौदहवें व्यास हैं रक्ष, पंद्रहवें व्यास हैं त्रयारुणी, सोलहवें व्यास हैं देव, सत्रहवें व्यास हैं देव कृतंजय, अठारहवें व्यास हैं ऋतंजय, उन्नीसवें व्यास हैं भरद्वाज मुनि, ये भी व्यास हैं, बीसवें व्यास हैं गौतम, गौतम जी भी व्यास हैं, इक्कीसवें व्यास हैं वाचश्चवा, बाईसवें व्यास हैं शुष्मायन, तेईसवें व्यास हैं तृणबिंदु, चौबीसवें व्यास हैं यक्ष, पच्चीसवें व्यास हैं शक्ति, और छब्बीसवें व्यास कौन है महाराज? छब्बीसवें व्यास हैं व्यास पराशरो, छब्बीसवें व्यास वेद व्यास जी के पिताजी थे पराशर मुनि। सत्ताईसवें व्यास कौन है? यातुकर्ण्य, और अट्ठाईसवें व्यास साक्षात नारायण वेद व्यास है, और इन व्यास जी का नाम है कृष्ण द्वैपायन।